जो है कॉपर सल्फेट नीला थोथा हम यूज करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मेडिसिन को मिलाने के लिए क्या करना होता है कि एक अपन ने इसने बर्तन में लिया है और इसमें जो है पानी मिलाना है। ठीक है, ऐसे टंकी में मिला के पटकने से कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। इसको बिल्कुल जो है अपन को बारीकी से जो है बिल्कुल इसको पानी की तरह करना है बिल्कुल। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सिंह रावत आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे खुशी पोल्ट्री ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज बर्ड्स का 7वां दिन है और 7 दिन का मैनेजमेंट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो सबसे पहले मैं बता दूँ दोस्तों कि अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी बर्ड्स की क्या कंडीशन है, देखिए इस प्रकार है। बर्ड्स पूरा फैल के बैठा है दोस्तों, अभी तक हमने फैन नहीं चलाए हैं, केवल और केवल स्प्रिंकलर चल रहे हैं दोस्तों और साइड की जो है बोरियाँ चल रही है। ठीक है दोस्तों, बर्ड्स की एक्टिविटी देख लीजिए एक बार दोस्तों। और इसका जो है 7 दिन का बॉडी वेट हम कल करेंगे दोस्तों, 8वें दिन पे क्या बॉडी वेट आएगा वो देखते हैं। और इस पर जो है हमने प्रॉपर देख चुके हैं दोस्तों ऑलरेडी, जो है 5 बॉक्स में बर्ड्स है देखिए। तो बर्ड्स को डिस्टर्ब नहीं करने से पहले बर्ड्स इस प्रकार बैठ रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मैं गया नहीं हूँ आगे और मैं जैसे ही चल के आया इधर देखिए बर्ड्स उठ गया है और वो जो है फीडिंग और वाटर पीने लग गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो बड़े फर्स्ट क्लास तरीके से अभी बर्ड्स चल रहा है, लेकिन मोटी मोटी दिक्कत इसमें एक चीज़ की आ रही है दोस्तों। अभी दिक्कत यह आ रही है कि जो बर्ड्स है विकलांग ज़्यादा हो रहा है बर्ड्स, और दूसरा बर्ड्स जो है उल्टा गिर रहा है तो वो खड़ा नहीं हो पा रहा। उसको बार बार हम आते हैं और खड़ा करते हैं, फिर वो दोबारा राउंड पे आते हैं दोस्तों, फिर वो उल्टा पड़ा मिल रहा है। इस बर्ड्स में बस ये दिक्कत हो रही है, नहीं तो ऑटोमेटिकली बर्ड्स लंगड़ा हो रहा है। नहीं तो लंगड़ा नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि देखिए हम जो है प्रॉपर तरीके से इसका ट्रीटमेंट चला रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर बर्ड्स लंगड़ा हो रहा है तो कुछ ना कुछ बर्ड्स में प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, तो ये हर ब्रीड में अलग अलग प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो इसका भी देखो कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे दोस्तों। अभी शाम को क्या मेडिसिन लगाएंगे वो भी आपको वीडियो में हम जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी फिलहाल की कंडीशन में देखिए दोस्तों, इधर जो है टाट पट्टी लगा रखी है उसके बावजूद भी हल्की हल्की धूप अंदर आ रही है, लेकिन बर्ड्स जो है उसमें सर्वाइव कर रहा है। देखिए धूप में भी बर्ड सर्वाइव कर रहा है, उसका रीज़न ये है दोस्तों कि जो टाट पट्टी हमने लगा रखी है उसका ठंडा ठंडा अंदर जो है हवा आ रही है, तो उस ठंडी हवा आने के कारण बर्ड्स को बिल्कुल भी आप देख पा रहे होंगे एक भी बर्ड्स जो है मुंह फाड़ के नहीं बैठा है। देखिए 110 डिग्री फ़ारेनहाइट बाहर का टेम्परेचर, उससे भी ज़्यादा हवा हो रहा है दोस्तों, लेकिन अंदर जो है हमने बिल्कुल टेम्परेचर सही कर रखा है। अभी मैं आपको अंदर का टेम्परेचर भी बताता हूँ दोस्तों कि हमारे अंदर का जो है टेम्परेचर क्या है। ठीक है ना, क्योंकि हम जो है दोस्तों अच्छे से जो इसको मेंटेन करके चल रहे हैं, कहीं ना कहीं गलती नहीं हो जाए। देखिए दोस्तों लाइट भी चली जा सकती है तो उसके कारण भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका हम ऑप्शन रखते हैं दोस्तों। तो आपको टेम्परेचर बताऊं, देखो अभी भी 90 डिग्री है, सुबह से लेके अभी तक 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से हमने ऊपर नहीं जाने दिया दोस्तों, और 39 डिग्री इसकी ह्यूमिडिटी है। तो ये फर्स्ट क्लास है, अगर लास्ट तक यही टेम्परेचर रहता है दोस्तों तो बर्ड्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, पहले ज़्यादा था दोस्तों टेम्परेचर ज़्यादा, लेकिन जब से ये पल्ली साइड की ओर लगाई हमने उसके बाद टेम्परेचर जो है बिल्कुल डाउन रह रहा है, ये 90 डिग्री से ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए इस साइड से हवा चलती है ना, तो इधर हवा ठंडी आती है, इस साइड से चलती है तो हवा ठंडी आती है, और अगर इस साइड से हवा ना चल के उस साइड से चल रही है फिर भी बर्ड्स इधर बैठेगा, क्योंकि इस जो यहाँ का जो पूरा माहौल, यहाँ का एरिया जो है दोस्तों बिल्कुल ठंडक है, तो अंदर जो है ठंडक दे रहा है वो। ठीक है दोस्तों, तो बर्ड्स पूरा फैल के बैठेगा इस प्रकार देखिए। तो ये चीज़ है दोस्तों, आप जो है टाट पट्टी अगर दोनों साइड नहीं लगाइए दोस्तों तो आप लगाए, क्योंकि गया जो मौसम था दोस्तों उस गई साल उसके अंदर इतनी गर्मी नहीं थी जितनी अब की बार है। अब की बार बहुत हालत ख़राब है दोस्तों, मैं खुद जो है अभी बाहर बैठने का मेरा मूड नहीं करता है, मेरा मन करता है कि मैं भी फार्म के अंदर ही बैठा रहूँ, इतना अच्छा लगता है दोस्तों। बाहर नहीं लगता, बाहर तो हवा चलती है तो बिल्कुल शरीर के आर पार निकल रही है, ऐसा बहुत माहौल ख़राब है अभी। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है अपने शेड को बिल्कुल एकदम से ठंडा रखें दोस्तों, अगर बर्ड्स को रखना है तो, क्योंकि देखिए बर्ड्स चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, अपन उसको जो है प्रॉपर तरीके से टेम्परेचर देंगे दोस्तों तो वो फीडिंग अच्छे से करेगा, तो बॉडी वेट अच्छे से लेगा। अगर आप छोटे बर्ड्स में सोचेंगे कि यार छोटा बर्ड्स है अभी तो अपन को जो है टाट पट्टी चलाने की जरूरत नहीं है, बोरी अपन क्यों चलाएं, हैं अभी अपन स्प्रिंकलर क्यों चलाएं, छोटे बच्चे हैं ये तो मेंटेन कर लेंगे, नहीं दोस्तों छोटे बर्ड्स को ही अपन को मेंटेन करके चलना है। अगर आप छोटे बर्ड्स को अच्छे से पानी पिलाएंगे, अच्छे से फीडिंग लेंगे दोस्तों तो वो ग्रोथ लेगा, नहीं तो क्या है कि पानी अगर प्रॉपर नहीं पिएगा दोस्तों तो वो इकोला आएगी बर्ड्स में, डिहाइड्रेशन होगा बर्ड्स, बर्ड्स में साइजिंग होगी, बहुत अनेकों प्रकार की जो है बीमारियां दोस्तों बर्ड्स के अंदर आ जाएगी। इसलिए मेरा कहना है कि फर्स्ट डे से मेरे स्प्रिंकलर चल रहे हैं, फर्स्ट डे से आप मानते नहीं होंगे, क्योंकि फर्स्ट डे जो है टेम्परेचर 100 से बाहर जा रहा था, जबकि अपन को रखना 95
जब बर्ड्स आते हैं 95 रहना चाहिए था, वही चीज़ मैंने करी दोस्तों, मैंने स्प्रिंकलर चला दिए थे और एक साइड की टाट पट्टी हमने चला दी थी, एक साइड की मेरे पास थी नहीं, ये जो है मैंने बाद में लगाई तीसरे चौथे दिन, ठीक है दोस्तों, दूसरे या तीसरे दिन लगाई थी शायद, तो उसके बाद में जो है बर्ड्स अच्छा है ग्रोथ पे दोस्तों। अभी मेडिसिन में क्या लगाने वाला हूँ वो चीज़ भी मैं आपको बताऊँगा, तो आप कंटिन्यू दोस्तों वीडियो में बने रहिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मेडिसिन के अंदर जो है हम आज मिलाने जा रहे हैं इसको कॉपर सल्फेट, मतलब कि नीला थोता, तो हमने ये ले लिया दोस्तों और ये है 80 ग्राम, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1000 बर्ड्स के ऊपर अपन को 20 ग्राम लेना है, तो मेरे 4000 बर्ड्स से तो 80 ग्राम ये हो गया, तो 80 ग्राम जो है नीला थोता हम लगाने वाले हैं दोस्तों कम पानी में, ताकि अभी 2-3 घंटे में ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद में जो है दोस्तों इसको साफ करके टंकी को और अपन सादा पानी चला देंगे, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट इसको बोलते हैं दोस्तों। अब आप बोलोगे कि ये किस काम में आता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बर्ड्स के अंदर इकोलाई बनती है दोस्तों, वो एक तरह का एंटीबायोटिक है दोस्तों, तो इकोलाई का लक्षण अगर अपन को नजर आए दोस्तों तो दे अपन प्रिकॉशन के तौर पर भी देना चाहते हैं दोस्तों तो दे सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि पिछली बार मेरे दिक्कत आई थी इकोलाई की, तो वो दिक्कत इसी समय में आई थी 7 से लेकर 10 दिन के भीतर, ठीक है ना, और 14 दिन होते होते उसमें मॉडलिटी चालू हो गई थी, तो उस चीज़ को जो है मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ हम पहले से यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। तो एक हफ्ता में एक बार हमको ये कॉपर सल्फेट चलाना है, ठीक है दोस्तों। तो ये आज चलाएंगे बर्ड्स का एवरेज जो मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा दोस्तों कि 170 ग्राम से लेकर 190 ग्राम के बीच में बर्ड्स का एवरेज है। कल अपन बॉडी वेट करेंगे दोस्तों, तो मेरे हिसाब से 200+ एवरेज आना चाहिए, अब एक अनुमान बता रहा हूँ दोस्तों, तो देखते हैं कितना क्या एवरेज आता है वो कल पता चलेगा। अभी मैं आपको सिर्फ मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों कि मेडिसिन जो है हम कौन से लगा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहले जो मेडिसिन मैंने यूज़ करी थी वो सारी चीज़ आपको डिटेल वाइज मैंने बता दी है दोस्तों, और आज हमने नई मेडिसिन जो है कॉपर सल्फेट नीला थोता हम यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मेडिसिन को मिलाने के लिए क्या करना होता है कि एक अपन ने इसने बर्तन में लिया है और उसमें जो है पानी मिलाना है, ठीक है, ऐसे टंकी में मिला के पटकने से कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, इसको बिल्कुल जो है अपन को बारीकी से जो है बिल्कुल इसको पानी की तरह करना है बिल्कुल, ठीक है, और जब तक नहीं होता है इसको इसके अंदर छोड़ देना है, जब ये बिल्कुल एकदम मिक्स हो जाता है पानी में तो उसके बाद अपन को इसके अंदर मिला देना है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें समय लगेगा उसके लिए जितने अपन जो है फीड डाल देते हैं। चलिए दोस्तों मैं फीड कैसे डालता हूँ वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ।
तो दोस्तों इस प्रकार जो है हम दाना डालते हैं। क्या करें, छोटे बच्चों में तो कम लगता है दोस्तों, बड़े होने के बाद में 10-10, 12-12 बैग लगते हैं। तो ये तो 50 किलो का, ये 60-60 किलो के उसके लगते हैं जब पैसे आते हैं। क्या करें, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली जो है हमने फीड डाल के बर्ड डिस्टर्ब कर दिया है, और देखिए फार्म का जो व्यू है कुछ इस प्रकार है। अगर मेरे ये टाट पट्टी ना हो दोस्तों तो रोशनी जो है यहाँ तक आ रही है। देखिए इतनी धूप आती है तो बर्ड्स एक भी नहीं बैठ पाता। अभी आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इतनी धूप होने के बाद में भी बर्ड्स जो है अच्छे से सर्वाइव कर रहा है ना, क्योंकि उसको धूप नहीं लग रही है दोस्तों, क्योंकि दो साइड में जो है अपने बोरी लगी हुई है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बोरी लगाने के बहुत सारे बेनिफिट है। एक तो अगर अब अंदर धूप आएगी बर्ड्स, अगर एक साइड होता दोस्तों तो फिर अपन क्या करते, पर्दे को बंद करते, तो पर्दे को बंद करते तो अंदर गर्मी होती। तो इसीलिए टाट पट्टी लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा दोस्तों है कि कल जो मैं वीडियो डालूंगा उसका आपको बहुत ही जो है बेसब्री से इंतज़ार करना है, क्योंकि कल मैं वीडियो जो डालने वाला हूं दोस्तों वो मैं बॉडी वेट की वीडियो डालने वाला हूं, ठीक है। तो इस गर्मी के मैनेजमेंट के अंदर जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसमें भी मैंने बर्ड्स लिए हैं, और इसमें कितना एवरेज जो है बर्ड्स का मेरा ले रहा है और आपके शेड में कितना एवरेज ले रहा है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करवाना है, ठीक है दोस्तों। मैंने जो इतनी मेहनत की है उसका एक्स्ट्रा मुझे फल मिला है या नहीं, इस चीज़ को भी आपको देखना है। देखिए मैंने कितने फीडर जो है लगा रखे हैं दोस्तों, और कितने जो है निप्पल पे छोड़ रखा है बर्ड्स को। तो ये सब चीज़ें जो अपन करते हुए भी अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो वो सब चीज़ें जो है अपनी सार्थक हो जाती है। और अगर इतना मेहनत करने के बाद भी जो है बर्ड्स का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है या बॉडी वेट अच्छा नहीं गेन कर पाता है दोस्तों, तो फिर दुख होता है कि यार इतना करने के बाद भी नहीं हो रहा तो कहाँ दिक्कत है, या बर्ड्स में या फीड में, ठीक है ना। सबसे पहले प्रथम जो काम होता है दोस्तों अपने मैनेजमेंट का होता है कि अपने मैनेजमेंट जो है प्रॉपर तरीके से अगर रख रहे हैं तो फिर ऑलरेडी जो है बॉडी वेट ग्रोथ होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद भी नहीं आ रहा तो फिर अपन कंपनी को दोष दे सकते हैं कि आपका फीड अच्छा नहीं है या आपका जो है बर्ड्स अच्छा नहीं है, आपने कौन सी फीड डाली। लेकिन अपन खुद ही ऐसा एक मैनेजमेंट रख रहे हैं दोस्तों तो अपन उनको बोल नहीं सकते, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए, आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय श्री राम।